साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में एक बार फिर से दबंगई की वारदात सामने आई है और एक लड़की के ऊपर यह हमला हुआ है। उसकी जबान काट दी गई है ताकि वो बता ही नहीं सके कि उसके साथ क्या हुआ या फिर वो गवाही दे पाए आगे। नहीं, एक इंतहा है खौफ बेखौफ अपराधियों की। पहले तो किसी का दुराचार होता है, फिर अगर वो गवाही देने जाती है तो उसके साथ इस तरह किया जाता है। अपराधियों के हौसले कितने बढ़ गए हैं, कितना वो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय कानून का नहीं है, पुलिस का नहीं है, ये ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं? अधिकारियों के मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है? यही चिंता का विषय है कि समाज में सरकार का एक बार जब खत्म होता है तब ऐसी स्थिति आती है। सरकार बार बार कहे जाने के बावजूद भी सरकार चेत नहीं रही है। सरकार जो है वो फ्री हैंड अधिकारियों को नहीं दे रही है। सरकार में बैठे लोगों का वर्चस्व जो है अपराधियों के सरों के ऊपर है। उनको लगता है अपराधियों को कि हमारे पॉलिटिकल आका जो है सत्ता में बैठे वो हमारी मदद करेंगे, इसीलिए सब होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर रंजना कुमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जितने पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं सबको सस्पेंड किया जाए। वहां के एमएलए वहां जाएं, वहां के चीफ मिनिस्टर वहां जाएं और जाकर के देखें कि ये सारी व्यवस्था वहां पर की जाए ताकि उस बच्ची के साथ जो इतना घोर अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जा सके। काफी तीखी प्रतिक्रिया दे रही थी कि सीधे सीधे अब कार्रवाई की जाए। बहरहाल प्रतापगढ़ में जो दबंगों के कहर पर कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे नाबालिग बच्चियों का कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ बहुत ही बेदर्दी से उनका बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। पहला केस अभी आपने कल देखा कि लखनऊ में परसों एक 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार करके 60 घाव उसके शरीर पर छोड़ते हुए उसे मारकर और अंधेरे में छोड़ दिया गया और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी का पता नहीं। और सबसे शर्मनाक बात की पुलिस का ये कहना कि वो उठकर गई थी मैदान में और उसको कुत्तों ने अटैक किया, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि बलात्कार साबित हो गया है। उधर प्रतापगढ़ में देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, 16 साल की लड़की, और उसके बाद उसकी जबान काट दी गई ताकि वो अपनी बयान ना दे सके, बता ना सके कि उसके साथ क्या हुआ। तो अब सीधे हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार की दो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ सवालों